नमस्कार। कहते हैं कि जीवन में यदि आपको सुपरस्टार बनना है, यदि आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, यदि आप सुपर कंप्यूटर बनना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चे को सुपर कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो हम उस साधारण से टिप्स आपको बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करना है और आप अपने बच्चे को बना सकते हैं सुपर कंप्यूटर जैसा तेज। सभी के पास होते हैं 24 घंटे सबके पास होते हैं और इन्हीं 24 घंटे का उपयोग हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो सफल बिजनेसमैन हो, बहुत सफल अभिनेता हो, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। इन 24 घंटे का सही इस्तेमाल, सही तरीके से प्रयोग ही हमें बनाता है सफल और सुपर कंप्यूटर आदमी। अब आपको ये जानना जरूरी है कि हमें इन 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है, वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग बहुत सफल और बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, लेकिन हम अपनी दैनिक जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जूझते रह जाते हैं, उसी में हमारा जीवन व्यथित रहता है, परेशान रहते हैं कि हमारी छोटी छोटी परेशानियां, हम उस छोटी छोटी परेशानियों से ही नहीं उबर पा रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके कैसे एक सफल इंसान बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि आप व्यस्त हैं तो इसका मतलब कि आप अस्त व्यस्त हैं, यानी कि आपका अस्त व्यस्त जीवन ही आपको व्यस्ततम दिखाता है। यानी कि यदि आप अपने घंटों का 24 आवर जो आपको मिलते हैं उनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल भी व्यस्त नहीं दिखेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छोटी छोटी वो कौन सी आदतें हैं जिनका प्रयोग करने से आपका दिमाग बन जाएगा सुपर कंप्यूटर, आपके सारे काम होंगे चुटकी में खत्म, आपके सारे काम बनेंगे आसान और आप भी बन सकते हैं महान, आप भी बन सकते हैं एक सफल आदमी, आप भी बन सकते हैं एक सफल बिजनेसमैन, आप भी बन सकते हैं सुपर पावर सुपर कंप्यूटर। नंबर एक, सबसे पहले यदि आपको अपने दिमाग को तेज करना है तो आपको अपना काम का रूटीन सेट करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा काम कितने बजे करना है, कितनी देर का करना है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। 10 मिनट का काम हम लोग बहाना बना के 45 मिनट एक घंटे तक करते हैं, जो कि हमारी व्यस्तता को निरर्थक रूप से बढ़ाता है। हर दिन हम चीज़ों को ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं, चीज़ों को खोजने में समय बर्बाद करते हैं, हमको जो सामान हमने जहां से उठाया है वहीं रखना है, जो सामान हमें जहां रखना चाहिए बिल्कुल उसका ध्यान रखना है, हर एक सामान एक सिस्टमेटिक वे में घर में रखना चाहिए ताकि हमको उनको ढूंढने में समय बर्बाद ना करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी कोई सामान हमें तुरंत नहीं मिलता है तो उस समय हमारा दिमाग भी तनाव में जाता है, जो कि हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है। नंबर दो, आपको करना है अपने इंद्रियों का सही इस्तेमाल। जब भी हम किसी काम को करने या सीखने के लिए एक से अधिक मैसेज का इस्तेमाल करते हैं तो वह चीज हमें जल्द व बेहतर तरीके से याद होती है। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसकी कहानी हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि जितनी देर 2.5 या 3 घंटे हम उस फिल्म को देखते हैं उतना समय हमारा पूरा का पूरा दिमाग उस फिल्म की तरफ होता है और हम बाकी चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक इसी तरह कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल, पूरा फोकस हमें उस दिमाग की तरफ, उस काम की तरफ रखना है, यानी कि कंसंट्रेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट की ऑफ एनी मैन और एनी वुमन, इट इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि आपका कंसंट्रेशन, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट होके काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है फुटबॉल के मैदान में या हॉकी के मैदान में, तो उसका पूरा जितनी देर का खेल होता है पूरी तरीके से उसका जो कंसंट्रेशन होता है उस बॉल पे होता है कि उस बॉल को हमें कैसे पाना है, और एक बार बॉल यदि हमको मिल गई तो उस बॉल को हमें गोल तक कैसे पहुंचाना है। तो ये आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में पूरी तरीके से आपका दिमाग लगा हुआ है। नंबर तीन, मल्टीटास्किंग से बचे। आज के समय में एक साथ व्यक्ति कई सारा काम करना चाहता है,
जिससे कि उसका मस्तिष्क यानी कि दिमाग बटा होता है और मल्टीटास्किंग करने की वजह से वो कमजोर भी होता है। इस वजह से आपको ये ध्यान देना है कि आप एक समय में एक ही काम करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग का डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, फोकस्ड होगा दिमाग आपका और आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी काम आप कर सकते हैं और आपका दिमाग मजबूत रहेगा। दिमाग को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए आपको करना है मेडिटेशन या योगा। मेडिटेशन दिमाग का सबसे अच्छा इलाज है। मेडिटेशन दिमाग की कार्रवाई को बढ़ाने और मेमोरी को बूस्टअप करने का सही तरीका है। जब अपने दिमाग को आप शांत करते हैं तो वह और बेहतर तरीके से कार्य करता है, यानी कि दिमाग की मजबूती के लिए और कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए ये जरूरी है कि आप प्रतिदिन मेडिटेशन करें। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं पर डे 15 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट, तो सबसे जो फायदा होता है वो फायदा ये है कि आपका कंसंट्रेशन पावर मजबूत होता है, यानी कि आप ज्यादा समय तक एक जगह पे दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं, इसकी वजह से आपका दिमाग भी मजबूत होता है। इसके अलावा आपको प्रकृति का साथ होना जरूरी है। आज के समय में हम बिल्कुल रूप से मनुष्य जो है वो मशीन बन गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त रहता है और वो मशीनों के इर्द गिर्द रहता है। इसकी वजह से हम यदि कोई काम करते हैं तो हमारा पूरा दिमाग उसमें नहीं लग पाता है, क्योंकि प्रकृति का साथ मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और यदि हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो प्रकृति का साथ हमें लेना आवश्यक है। इसलिए आपको ये कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा समय प्रतिदिन हम प्रकृति के साथ यानी कि पेड़ पौधों के साथ पार्क में जरूर बिताएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा दिमाग निश्चित रूप से मजबूत होगा, और यदि दिमाग हमारा मजबूत होता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, तो हमारे सारे काम होंगे चुटकी में खत्म। हमारे पास नए कामों के लिए बचेगा समय, हम कर सकते हैं बड़े बड़े काम और कम ही समय में हम बनेंगे दुनिया के सफलतम इंसान। गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।